नहीं पकड़ूंगा, नहीं पकड़। अच्छा दे, बस चप्पल लाना खुल जाए। ओके सो यस गाइस, फाइनली इट्स द डे व्हेन आई एम गोइंग टू गेट माय हेयर डन। टुडे आई एम गोइंग टू गेट माय हेयर कटेड फाइनली। सो फर्स्ट आई हैव सम वर्क एंड देन आई विल गो देयर। दिस इज हाउ माय हेयर्स आर लुकिंग करंटली। आई हैव नॉट सेटेड देन, मैं इसको सेट करूंगा तो आई थिंक इट विल लुक अ लिटिल बेटर। मैं मॉम वाज शाउटिंग एट मी, उनको लग रहा है कि आई एम नॉट इवन कटेड माय हेयर। लुक आई थिंक सबके साथ ही होता है। सो हियर आई एम सारंग एंड गिडू रोबी। ये व्लॉग के लिए हाँ, कट कर दूंगा तेरा, मुंह टेंशन मत। ओके सो राइट नाउ आई एम एट माय फ्रेंड सोसाइटी एंड अभी जिम से निकले आया एंड रवि एंड ऑल्सो सारंग एंड यदु वर विद मी एज यू सॉ इन द लास्ट शॉट। एंड बारिश का मौसम अच्छा भी लग रहा है, गलत टाइम पर उसके लिए बुरा भी लग रहा है। एंड लिटरली स्टक, आई हैव टू रश टू माय होम। मैं थक गया हूं। हम लोग का फोन है, उसी का टेंशन है, नहीं तो भीग भी सकते थे। मुझे तो फोन का भी टेंशन नहीं है, तो खुद का टेंशन है। मुझे खुद का टेंशन है। एनीवेज अभी ट्राईपॉड, इफ आई हैड माय ट्राईपॉड आई वुड हैव टेकन अ ब्यूटीफुल टाइम लैप्स, बिकॉज ये जो पार्ट लग रहा है ना, ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। मतलब अगर मैं इसको एक प्रॉपर फोकस शॉट में लूँ तो एज यू कैन सी, तो ये देखो ये शॉट इट्स लुकिंग ब्यूटीफुल, बट देन अनफॉर्चुनेटली कुछ टाइम में, सम टाइम इन फ्यूचर विल टेक सम शॉट्स ओवर हियर। यस, सो जस्ट रीच्ड माय होम नाउ। आई वोन दिस क्लासेस बिकॉज आई वांट दैट क्लियर विजन बाय राइडिंग द एक्टिवा, बिकॉज यू ऑल्सो हैव टू टेक केयर ऑफ वन थिंग, दैट योर विजन इज नॉट ब्लॉक्ड वेन एवर यू आर राइडिंग एंड टू व्हीलर समथिंग। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अभी बारिश जो है हल्की हल्की जो है रुक गई है, एंड आई एम वेटिंग फॉर माई सिस्टर, दैट्स द कार। आई एम वेटिंग फॉर माई सिस्टर टू कम एंड देन आई विल गो टुगेदर विद हर। सो या, मीट यू अपस्टॉक्स। या सो टू आवर्स, वन आवर लेटर आई एम हियर, घर आ गया। माई सिस्टर्स क्लास वॉज डन एंड आई वॉज फ्री राइट नाउ, सो आई वॉज एडिटिंग माई वीडियो। आई थिंक आई विल मीट यू टुमारो और यू नेवर नो। सो या, सो आई जस्ट वेंट टू दैट मोबाइल वाला शॉप बिकॉज मेरा जो स्क्रैच कार्ड, मतलब वो जो भी टेम्पर ग्लास होता है, वो दैट वॉज ब्रोकन यस्टरडे। सो आई जस्ट वेंट टू फिक्स दैट एंड राइट नाउ आई एम हियर इन फ्रंट ऑफ हाईलैंड गार्डन फॉर सम वर्क। एक्चुअली माई वर्क इज गोइंग ऑन ओवर देयर, समझ ही गया अभी। एंड टुडे इज रियली वेरी हॉट मैन, इट इज लाइक फीलिंग की 40-45 डिग्रीज होगा, इट्स फीलिंग दैट वार्म। So I'm running to the gym and I'm really, really, really late. Ravi and Shanmuk are waiting for me from 15 minutes, and I'm going to. देखो phone आ गया उसको. Hello my friend. Vlogging. Yes boss. अभी तेरे को बताया ना, daily vlogging करते हैं अपन. So Shanmuk, this is Shanmuk, one of my very loyal friends. So Shanmuk, how are you doing, man? चलो. Ravi को phone किया क्या? So after Ravi, how are you feeling after waiting for 15 minutes? Shanmuk, how are you feeling after waiting? तभी तो पूछा ये सर। मॉन्जेनीज में वेट करके कैसा लगा? अरे बहुत, क्या बोलूँ, मस्त लगा ना। तो हम तीनों जिम जाते साथ में, वी आर वेरी 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 मोटिवेटेड, डेडिकेटेड एंड ऑन टाइम। ऑन टाइम ब्लॉग है लेग्स टुडे। बहुत मजा आएगा। एंड शनमुख इज ओवर देयर। शनमुख, तो इसको जो भी बोलते हैं, बीन बैग में
So we are sitting on the bean bag. नहीं नहीं बीम बैग वो अलग रहते हैं ना क्या वाला फेमस बेयर ग्रिल शॉट बेयर ग्रिल्स का शॉट यू रिमेम्बर दैट लेजेंड बहुत लोग ने लिटरली मतलब बताया कि रवि का वो कैमियो बहुत अच्छा लगा पीपल लव्ड इट ये पकड़ नहीं पकड़ूंगा नहीं पकड़ अच्छा दे आओ बस चप्पल लाना खुल गया है अच्छा सो आफ्टर वर्कआउट आई थॉट कि भाई कुछ येड़े टेढ़े से अच्छा विल हैव दिस रॉ सो अभी रॉ की जस्ट मेरे वॉज माई होम एंड लिटरली डेड टायर्ड अभी पढ़ाई भी करना है लिटरली हैव नो आइडिया हाउ आई एम गोइंग टू डू दैट बट देन आई एम हैविंग अ रियली लाइक बहुत अच्छा लग रहा है यू नो द बेस्ट पार्ट ऑफ द वर्कआउट इज स्टार्टिंग माई फील्स बट देन इट गिव्स यू एनर्जी दैट इज द बेस्ट पार्ट